अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस अभी ऑफिस में मैं हूँ, तो बस ऑफिस से अभी छुट्टी का टाइम है। अभी मैं बस घर के लिए निकलूँगा थोड़ी देर में। बस अभी गाड़ी का इंतज़ार है, गाड़ी आ जाए तो बस फिर गाड़ी में बैठ के जाए। हेलो गाइस, मैं आज घर पे हूँ तो और फ्री भी था, तो मैंने कहा चलो आज कुकिंग कर लेते हैं। तो दिल चाहता था आलू कीमा बनाने का, तो मैंने कहा आलू कीमा बना लेते हैं। गैस नहीं है तो इसलिए हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं। मैंने सारी चीज़ें तैयार की हैं, सारा मसाला वगैरह मैं सब कुछ चीज़ें लें, और प्याज मैंने काटा मेरी अंकल आज, और टमाटर वगैरह भी मैंने काट लिया है। ओके, मेरे हाथ सारे पीले पीले हो चुके हैं मसाले की वजह से। तो गाइस मिल के बनाते हैं आलू कीमा। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ऑयल गर्म करेंगे। मैं साथ में आपको बताता जाता हूँ कि क्या कुछ करना है। कुकर ले आते हैं। तो सबसे पहले हम तो गाइस सबसे पहले हम लोग सिलेंडर लगा लेते हैं। ये लग गया हमारे पास। इसमें सबसे पहले ऑयल में डालूंगा। तो गाइस इसमें एक बड़ा चम्मच जो है मैं ऑयल का डालूंगा, कम निकला है, थोड़ा सा और डाल दूंगा। तो गाइस मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच जो है ऑयल का डाल दिया है। इसमें मैंने प्याज काटा हुआ, प्याज में डाल दूंगा। गाइस मैंने प्याज काटा हुआ है, साथ में टमाटर है, तो टमाटर बाद में डालूंगा, पहले मैं इसमें प्याज डाल देता हूँ। तो गाइस प्याज डालने के बाद ना लहसुन की कुछ, ये हमारे पास है क्लोव्स हैं, ये मैं डाल देता हूँ इसमें। और उसके अलावा मैं, हमारे पास इलायची है, इलायची मैं इसमें डाल देता हूँ। और हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक हमारे पास थोड़ा, हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे पास ये जो प्याज है ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए। दो मिनट के लिए हम लोग इनको इसको छोड़ देते हैं ताकि ये सही तरीके पर ब्राउन हो जाए। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तब तक मैं कीमा निकाल लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये जब सही ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर और मसाले वगैरह इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस हमारे पास प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसके साथ में टमाटर जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। टमाटर भी मैंने डाल दिया है।
तो अभी मैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। मैं इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, ये सही पक जाए। टमाटर जो थे ना वो फ्रीज थे तो मैंने अभी निकाले हैं, तो वो अब इनको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सही पक जाए। उसके बाद फिर इसमें मसाला वगैरह जो है वो ऐड करेंगे। ये हमारे पास जो है मसाला मैंने सारा निकाला हुआ है, कीमा भी है और आलू भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो गाइज़ मैं भी इसमें मसाला ऐड करने लगा हूँ। सब गाइज़ ये सबसे पहले हमारे पास गरम मसाला है, गरम मसाले के साथ हमारे पास है कुटी हुई, ये गरम मसाला है गाइज़। उसके बाद है कुटी लाल मिर्च, उसके बाद हमारे पास अजवाइन है, हमारे पास अजवाइन के बाद लाल मिर्च हमारे पास है, नमक हमारे पास है और लास्ट में हमारे पास हल्दी हमारे पास है। तो गाइज़ ये सारे मैं भी डालता हूँ, फिर हम देखते हैं। वाकई ये सबसे पहले मैं गरम मसाला और कुटी लाल मिर्च डालता हूँ, तो साथ में अजवाइन, लाल मिर्च और नमक। अच्छा ये सब मैंने डाल लिया, अब मैं इनको मिक्स करूंगा। हमारा मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है, तो इसमें अभी हम लोग कीमा ऐड करेंगे। कीमा हमारे पास है, कीमा मैं सारे इसमें ऐड कर रहा हूँ। कीमा ऐड कर लिया, अभी इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे हम लोग। हम कीमे को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है ये चेंज ना हो जाए। जब ये कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे, और फिर आलू के बाद इसमें तकरीबन 2 कप या 1.5 कप पानी इसमें शामिल कर लेंगे। तो गाइस फाइनली हमारे कीमे ने कलर बदल दिया है, तो इसमें भी हम लोग आलू शामिल कर लेंगे। गाइस फाइनली हमारे पास हमारे कीमे ने अपना कलर जो है वो तब्दील कर लिया है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है हमारे कीमे की। तो अभी आलू हमारे पास जो कटे हुए हैं वो आलू मैं इसमें शामिल कर लूँगा। ये आलू मैंने काटे हुए हैं, मैंने खुद काटे हैं, तकरीबन 4 अदद आलू हैं, ये मैंने इसमें डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने अभी आलू इसमें शामिल कर लिए हैं, अभी मुझे अंदाज़ा होता है मैंने बर्तन जो है काफ़ी छोटा लिया है। तो गाइस आलू मैंने डाल दिए हैं, तकरीबन 5-6 मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी मैं इसमें ऐड कर लूँगा। तो बर्तन में तकरीबन मैंने 2 कप पानी लिया है, ये इसमें मैं डाल दूँगा। और फिर इसको हम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये लगा हुआ है, ये इस वीडियो में दिखाई नहीं देता लेकिन ये लगा हुआ है, तो हम धीमी आंच पे छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, तकरीबन 20 मिनट के लिए, और ये सही तरीके पे पक जाए।
हमारे आलू जो हैं, आलू कीमा सॉरी, ये सही तरीके पे पक जाए और फिर टेस्ट करेंगे आया किस तरीके पे है। पूरा पक जाए तो फिर देखते हैं, इसको भी दम पे छोड़ देते हैं। तो गाइस मैं भी इसको धीमी आंच पे उबाल, जब तक इसको नहीं आता तब तक के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैं जाके लाता हूँ रोटी। फ्लेम मैंने इसकी बिल्कुल हाफ कर ली, बिल्कुल कम कर दी मैंने इसकी फ्लेम। तो गाइस जाते हैं और जाके रोटी लाते हैं। तो गाइस मैंने अभी रोटियाँ ले ली हैं, अभी घर में जाके देखते हैं क्या आलू कीमा सही पका है कि नहीं। चलते हैं जाके देखते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ बनाया है, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है, मज़े का ही नहीं है। तो गाइस चलो अभी ट्राई करते हैं आलू, बॉयल तो आ चुका है इस पर, अभी टेस्ट करके देखते हैं आया जायका इसका किस तरीके पर है। कीमा तो बन चुका था मैं आलू पे थोड़ा बहुत, अभी एक आलू का पीस निकाल के देखते हैं ज़रा मैं पीस लिया। अच्छे से कट गया, एक और निकाल के देखता हूँ या इसी में। हाँ बहुत मज़े के हो चुके हैं, सही मतलब आलू भी पक चुके हैं हमारे पास। तो गाइस मैं ये आलू पेस्ट करके देखता हूँ आया कैसा ज़रा। मज़ेदार, बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का बना। तो गाइस अभी इनको इसको मैं सर्व करता हूँ बाउल में, तो फिर आप देखें। तो गाइस ये देखें, ये मैंने प्लेटिंग की है। तो गाइस ये देखें, मैंने आलू निकाल लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साथ में रोटियां भी ले आया हूँ मैं, काफ़ी मज़े का दिख रहा है। तो गाइस अभी इसको टेस्ट करते हैं, अभी टेस्ट करते हैं इसका जायका कैसे है। तो गाइस टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत मज़े का बनाया मैंने। काफ़ी मज़े का, बहुत मज़े का। तो गाइस इससे पता चलता है मैं कुकिंग टेस्ट में बिल्कुल पास हो गया हूँ, बहुत अच्छे तरीके मैंने कुकिंग किया। तो गाइस अभी आराम से बैठते हैं और खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। तो मैं सभी बाहर जा रहा था, बाहर जा रहा था और पीछे बकरियाँ थी और वापस दुमे वगैरह भी थे, भेड़ वगैरह। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।